सिंह और आप देख रहे हैं एडीएल न्यूज़। पहले तो आप सभी को महावीर जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। अब हम जानते हैं कि भगवान महावीर कौन थे। भगवान महावीर को जैन धर्म के लोगों का भगवान माना जाता है। वे जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। साल चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि को महावीर जयंती के रूप में मनाया जाता है। तीर्थंकर वो लोग होते हैं जो इंद्रियों और भावनाओं पर पूरी तरह से विजय प्राप्त कर लेते हैं। करीब 599 ईसा पूर्व बिहार के कुंडलपुर के राजघराने में जन्मे महावीर स्वामी के बारे में कहा जाता है कि 30 वर्ष की उम्र में महावीर स्वामी का झुकाव अध्यात्म की ओर होने लगा था और उन्होंने राजपाट छोड़कर तप करना शुरू कर दिया था। वे उन 24 लोगों में से है जिन्होंने तपस्या से आत्मज्ञान की प्राप्ति की थी। आपको बता दें कि 14 अप्रैल को गुरुवार को यानी आज के दिन महावीर स्वामी का 2620वां जन्म दिवस मनाया जा रहा है। इस मौके पर हम आपको महावीर जयंती से जुड़ी कुछ खास बातें बताते हैं। आपको पता है कि पंचांग के हिसाब से चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि 14 अप्रैल दिन गुरुवार को यानी आज सुबह 4:49 से शुरू होगी और 15 अप्रैल दिन शुक्रवार को सुबह 3:55 पर इसका समापन होगा। जैन धर्म के लोगों के बीच महावीर जयंती 14 अप्रैल को मनाई जा रही है। महावीर स्वामी ने 12 वर्षों तक कठोर तपस्या कर आत्मज्ञान प्राप्त किया था। इसके बाद उन्होंने जैन धर्म के प्रचार और प्रसार के लिए काफी काम किया। महावीर स्वामी ने 5 प्रमुख सिद्धांत बताए थे जिन्हें पंचशील सिद्धांत कहा जाता है। ये 5 सिद्धांत है सत्य अहिंसा, असत्य यानी चोरी नहीं करना, अपरिग्रह यानी विषय व वस्तुओं के प्रति आसक्ति नहीं होना और 5वां सिद्धांत ब्रह्मचर्य है। महावीर स्वामी का मानना था कि जो व्यक्ति अपने जीवन में इन 5 सिद्धांतों का पालन करना सीख गया उसका जीवन सार्थक हो जाएगा क्योंकि वो जीवन के वास्तविक उद्देश्य को समझ जाएगा। आज की खास खबर में बस इतना ही। देश दुनिया से जुड़ी खबरों के लिए देखते रहिए एरियल न्यूज़। धन्यवाद।